हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है बैंगन का भरता बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैंगन का भरता बनाना। बैंगन का भरता बनाने के लिए ये हमने बैंगन लिया है और बैंगन पे मैं सबसे पहले ऑयल लगा लूंगी। हाथ की मदद से मैं इसमें ऑयल लगा लूंगी और बैंगन को मैं गैस पे भूनने के लिए रख देती हूँ। जब तक हमारे ये बैंगन भूनते हैं तब तक हम ये मसाले भी चेक कर लेते हैं। धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला 1/2 चम्मच, ये हमने 6 प्याज लिए हैं, 1 अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, 6 से 7 हमने लहसुन की कलियां, 4 टमाटर और 1 कटोरी हमने मटर लिए हैं। जब तक हमारा बैंगन भुनता है तब तक हम प्याज टमाटर को कट कर लेते हैं। मैं प्याज को कट कर लूंगी, मैं लंबे टुकड़ों में प्याज को कट करूंगी। ये हमारे प्याज कट हो चुके हैं, अब मैं लहसुन को भी कट कर लूंगी। और ये हमारा लहसुन भी कट हो चुका है, अब हरी मिर्च को कट करूंगी मैं। मैंने इनको प्याज को और हरी मिर्च को थोड़ा मोटा ही काटा है। अब मैं इस अदरक को कद्दूकस कर लूंगी। ये हमारा अदरक भी कद्दूकस हो चुका है, इसे मैं एक साइड में रख दूंगी और अब मैं टमाटर को कट कर लूंगी। और ये हमारे टमाटर भी कट हो चुके हैं, इन्हें भी मैं साइड में रख दूंगी। बैंगन हमारे भुन चुके हैं, गैस को मैं बंद कर दूंगी और अब मैं इस बैंगन को छील लूंगी। इनको मैं छील के धो लूंगी इनको मैं। ये हमने बैंगन को छील लिया है और धो लिया है और अच्छे से इसको मैश कर लिया है। ये हमारे बैंगन कुल 500 ग्राम थे। ये मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। और अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। जीरा हमारा चटक चुका है, अब मैं इसमें लहसुन डालूंगी। लहसुन हमारा भून चुका है, अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी। और प्याज को मैं भून लूंगी, प्याज को मैं ज्यादा ब्राउन नहीं करूंगी। मैंने प्याज को भूनने दूंगी। प्याज हमारे भून चुके हैं, हमें प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब मैं इसमें ये मसाले डाल दूंगी। मैं बैंगन के भरते में हल्दी का प्रयोग नहीं करूंगी, आप चाहे हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्च और ये अदरक डाल दूंगी।
मटर भी मैं इसी में डाल दूंगी, जिससे कि हमारी मटर अच्छे से भुन जाएंगी और इसे मैं ढक के 1 से 2 मिनट के लिए मटर गलने तक मैं इसे पकाऊंगी। 1 से 2 मिनट स्लो गैस पे ही मैं इसे रखूंगी। तो आइए चेक करते हैं, ये हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है और मटर भी हमारी गल चुकी हैं। ये देखो कितने अच्छे से गली हैं हमारी मटर। अब मैं इसमें ये बैंगन डाल दूंगी। तो बैंगन को अच्छे से मिक्स करूंगी। ये हमारा अच्छे से बैंगन मिक्स हो चुका है। फिर मैं इसे 5 से 10 मिनट फिर से पकने दूंगी इसे मैं। तो आइए चेक करते हैं, ये हमारा बैंगन का भरता बनकर तैयार हो चुका है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है बैंगन के भरते का। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी धनिये को। अब मैं इसे एक बाउल में सर्व करूंगी। गैस को मैंने बंद कर दिया है। ये हमारा बैंगन का भरता बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।